यहाँ आकर देखकर आप हजरात से मिलकर बड़ी मसर्रत और बड़ी खुशी हो रही है, और ऐसा लगता है कि जैसे अपनों के दरमियान आए हैं। बड़ी मोहब्बत मिल रही है और आप हजरात का वालहाना ताल्लुक महसूस हो रहा है। अल्लाह ताला हमारे और आप सब के इस ताल्लुक को अपनी रजा के लिए कबूल फरमाए। देखिए आप हजरात एक नमूने का इजलास करते हैं, एक आइडियल इजलास करते हैं कि जलसा किस तरह होना चाहिए। आपके मजामीन और आपके उनवानात मुंतखब मुतय्यन होते हैं, मुकर्ररीन भी आपके बड़े सेलेक्ट किए होते हैं, मुतय्यन होते हैं, चुनीदा किस्म के होते हैं। आप अपने इलाके के और मुल्क के मुमताज़ उलमा को बुलाते हैं, दावत देते हैं, ताकि हमारे समाज में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सही तरीके पर आ सके, हम दीन को समझ सकें, शरीयत के मिजाज को पहचान सकें, कुरान हमसे क्या चाहता है, हदीस हमसे क्या चाहती है, अल्लाह की मर्जियात क्या है जिस पर हमें चलना चाहिए, वही रस्म व रवाज और वही जिस घर में हम पैदा हुए माँ बाप और दादा और नाना को देखकर जो चीज़ें सीखी, क्या वही इस्लाम है या इस्लाम कुरान और हदीस में है, क्या वही शरीयत है या शरीयत वो है जो कुरान और हदीस से जो चीज़ें निकल कर आई हैं, जो अलामा बताते हैं, जो मुफ्तियान किराम आपको सिखाते हैं, जो हजरात कज़ात किराम आपको तालीम देते हैं, जो आपके वाइजीन मुकर्ररीन खुतबा आपको बताते हैं, वो है असल दीन। देखिए आज का जलसा तफसीरुल कुरान और सीरतुल नबी के मौजू पर है। मैं बहुत आसान करके बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप हजरात मेरी उर्दू को समझ सकें। क्या समझ पा रहे हैं मेरी उर्दू को? अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी आयत का मुख्तसर सा टुकड़ा पेश किया आपके सामने। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। मैंने सोचा कि मैं सीरत के मौजू पर, सीरतुन नबी के मौजू पर आपके सामने कुछ बयान करूं। सीरतुन नबी के मौजू का मतलब यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, आपकी सीरत मुबारका, आपकी पाकीज़ा जिंदगी हम सबों के लिए नमूना और आइडियल है, हमें उसी तरह चलना चाहिए। यानी पैदाइश से लेकर मौत तक, पैदाइश से लेकर मौत तक ये जो हमारी पूरी जिंदगी है, ये पूरी जिंदगी के हर लम्हे हर पल में आइडियल मौजूद है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना मौजूद है, हमें उसी नमूने के मुताबिक चलना है। यही असल सीरत तय्यबा का मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने फतेह मक्का के वाकयात सुन लिए बड़े जोश और जज्बे के साथ, हमने सुन लिए गज़वे बद्र के वाकयात, हमने सुन लिए गज़वे उहद के वाकयात, और हमने सुन लिए सुलह हुदैबिया के वाकयात, हमने सुन लिए गज़वे खंदक में कैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट में पत्थर बांधकर इस्लाम के लिए मेहनतें और कुर्बानियां दे रहे हैं, हमने अमल नहीं किया, तो सीरत इसका नाम नहीं है। सीरत तय्यबा के सुनने का, समझने का, बयान करने का ये मकसद नहीं है, जलसों के मुनाकिद करने की मंशा, उसकी मुराद ये नहीं है।
हमें सीखना क्या, हम क्या सीख कर गए, अपनी जिंदगी में क्या उतार कर गए, अपने घर पहुंचे तो क्या तब्दीली आई, हमारी बीवियां, हमारी बेटियां, हमारे बेटे बच्चे ये कह दें कि ये शख्स किसी जलसे से आया है, देखो इसकी जिंदगी बदल गई, इनका मिजाज बदल गया। पहले आते तो डांटते थे, बिगड़ते थे, आज आए हैं तो अस्सलाम वालेकुम कह के घर में दाखिल हो रहे हैं। पहले आते तो बेवजू सो जाते थे, आज वजू करके कह रहे हैं कि सोना है, सोना वजू करके चाहिए, बावजू सोना चाहिए। वो देख ले कि आज उठे हैं, अलार्म लगा लिया तहज्जुद के वक्त की, आज तो तहज्जुद के लिए तैयार है। ये है जलसे का असर। अगर ये असर आप में नहीं हुआ तो जलसा कामयाब नहीं हुआ, आपका आना बैठना सुनना सब बेकार हो गया। आपने क्या बदलाव लिया, क्या सीख कर गए, ये जो चार घंटा पांच घंटा आपने लगाया, अगर इसमें बदलाव नहीं आया, चेंजिंग नहीं आई, कोई इनकलाब नहीं आया, कोई तब्दीली नहीं आई, कोई आपकी जिंदगी में नया मामला जिसने आपके दिल को टच किया, जिसने आपके दिल में इनकलाब बरपा किया, जिसने आपके दिल को रोलाया भुलाया, आपके दिल को फिक्रमंद किया, आपके दिल में जज्बा पैदा किया, आपके दिल में शरीयत के राह पर चलने और सिरात मुस्तकीम पर चलने, इत्तेबाए सुन्नत के लिए नबी की राह पर मर मिटने का अगर जज्बा पैदा नहीं किया तो यकीन मानिए कि आपका बैठना फायदेमंद नहीं हुआ। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सीरत तय्यबा के वाकयात आपको न सुनाऊं, मैं आपको तो ये सुनाऊं कि आप पूरी सीरत तय्यबा जिसे आप जानते हैं, अपने उलमा, अपने सुलहा, अपने वाइजीन, अपने फतवा, अपने अइम्मा, अपने उलमा से सुनते रहते हैं, आपने उसको अपनी जिंदगी में लागू किया, नाफिज किया, अपनी जात पर उसको उतारा या नहीं उतारा, ये देखना। आप कल तक जब तक रोटियां खाते थे तो एक हाथ में रोटी लेकर दूसरे से तोड़कर खाते थे, या एक हाथ से प्लेट में रखी रोटी को दबाकर दूसरे हाथ से खींचकर तोड़कर रोटी खाते थे, आज कैसे खा रहे हैं देखना। यानी आप में एक फिक्र पैदा हो जाए कि मेरा कोई अमल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने के खिलाफ नहीं होगा। हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा जागना, एक एक अमल हमारा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे के मुताबिक होना चाहिए। हज़रत तशरीफ लाएं जी। हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुल आलिया हम सब के मखदूम गरामी कदर, जिनके हम सब मुंतजर थे, तशरीफ ला रहे हैं। नाराय तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराय तकबीर, नाराय तकबीर, अल्लाहू अकबर, उत्तर बड़ा ग्रामीण शरिया जिंदाबाद, उत्तर बड़ा ग्रामीण शरिया जिंदाबाद, उत्तर बड़ा ग्रामीण शरिया जिंदाबाद, सुन्नत रसूलुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, आशिकान रसूलुल्लाह जिंदाबाद, आशिकान रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्ज कर रहा था मैं आपके सामने के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजरी। कुरान मजीद की इस आयत में यही कहा गया, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, ए लोगो तुम सब के लिए अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी में, आपकी सीरत तय्यबा में, आपकी पाकीज़ा जिंदगी में एक बेहतरीन उस्वा, एक अच्छा नमूना, एक अच्छा आइडियल रख दिया है। तुम्हारी जिंदगी इसी के मुताबिक गुजरनी चाहिए। अगर तुम्हारी जिंदगी इसके मुताबिक है तो तुम कामयाब हो, कामरान हो,
और अगर तुम्हारी जिंदगी इसके खिलाफ गुजर रही है तो जाहिर है तुम नाकाम हो, ना मुराद हो, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसी को शेख सादी ने फारसी में कहा था, मपिंदार सादी के राहे सफा तमारफ्त जिस बर पे मुस्तफा खिलाफ पैगंबर कसे रह गुजीर के हरगिज ब मंजिल न खाब रसीद। ए सादी ये गुमान मत करना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श पा के बगैर जिंदगी गुजारो और कामयाब हो जाओ, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अल्लामा इकबाल ने इसी को कहा था कि मोहम्मद की इताअत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की इताअत शर्त अव्वलीन है कि मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इसीलिए आपके जहन में ये रहना चाहिए कि उसवा और आइडियल वही हमारी बुनियाद है, सीरतुल नबी का यही मकसद है। लेकिन आप ये कहेंगे कि मौलाना आप जो ये बात अर्ज कर रहे हैं ये 15वीं सदी है, 1500 साल गुजर गए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ चल सकती है ये चीजें? आपको ये इश्काल और ये सवाल पैदा हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं हजरत अब्दुल्ला हजरत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रजी अल्लाह तआला का वाकया तो आप सुनते रहते हैं। हजरत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रजी अल्लाह तआला एक मशहूर सहाबी ईरान के बादशाह शहनशाह किसरा के दरबार में इस्लाम की दावत के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भेजा। आप पहुंचे हैं इस्लाम की दावत के लिए हुज़ैफ़ा इब्न यमान, खाने का दस्तरखान बिछता है, खाने के दरमियान जब खाना शुरू करते हैं बादशाह के दस्तरखान पर तो जाहिर है खाने के दरमियान कभी रोटी का चावल का दाना गिर जाता है, सालन के शोरबा के कतरात गिर जाते। हजरत हुज़ैफ़ा इब्न यमान उसको उठाकर खाने लगे, करीब में बैठे जो सहाबा थे साथी थे रफ़क़ाए सफ़र थे उन्होंने अपने अमीर सफ़र से कहा कि हजरत ये आप क्या कर रहे हैं? या सैयदी हुज़ैफ़ा इब्न यमान, ए मेरे आका हुज़ैफ़ा इब्न यमान, ये आप क्या कर रहे हैं? ये मक्के और मदीने की सरजमीन नहीं, ये तो ईरान और रोम की सरजमीन है, ये एक अल्लाह के सामने सर टेकने वालों की सरजमीन नहीं, ये तो लाखों करोड़ों बुतों के सामने सर टेकने वालों की सरजमीन है, ये मक्के और मदीने की नहीं, ये तो तहजीब याफ्ता मुतमद्दिन कौमों की सरजमीन है, ईरान की सरजमीन है। आप दस्तरखान पर गिरे टुकड़ों को उठाकर खा रहे हैं, ये लोग कहेंगे कि देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कितने हरीस हैं, कितने लालची हैं, कैसे भूखे हैं, कितने दिनों का फाका है कि इन गिरे टुकड़ों को उठाकर खा रहा। इसलिए खुदा आप इन गिरे टुकड़ों को उठाकर न खा। लेकिन सैयदना हुज़ैफ़ा इब्न यमान ने जो जवाब दिया फरमाया अतरुक सुन्नत हबीबी लिहा उलाइल हुमका, क्या इन अहमकों इन बेवकूफ़ों की वजह से मैं अपने आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छोड़ दूँ? ऐसा हरगिज मुझसे नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, हम और आप सब के लिए 15वीं सदी के मुसलमानों के लिए ये सबक और पैगाम था हुज़ैफ़ा इब्न यमान की इस जुरअतमंदाना और बेबाकाना इस जवाब में कि लोगों तुम दुनिया के किसी खित्ते किसी गोशे किसी मजलिस किसी महफिल किसी माहौल में हो, अगर तुम देखो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये सुन्नत है तुम्हें उसी पर चलना है, दुनिया क्या कहती है तुम्हें, दुनिया कह दे कि ये मजनू है, ये दीवाना है, ये पागल है, ये अहमक है, ये बेवकूफ है, दुनिया कहती रहे तुम्हें तो मस्त रहना चाहिए, तुम्हें तो आशिक होना चाहिए इस बात पर कि मेरे नबी मेरे आशिक मेरे माशूक मेरे मोहम्मद की सुन्नत है, हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना। इसलिए ये पैगाम और सबक, हम और आप आज चेहरे पर दाढ़ियां नहीं रखते, क्यों? शर्म आती है, सरकार की सुन्नत को खत्म कर देते, हमारा जिंदगी के मरहलों में सुन्नतों को इसीलिए छोड़ देते, तर्क कर देते हैं।
लेकिन हुज़ैफ़ इब्न यमान ने ईरान के बादशाह शहंशाह किसरा के दस्तरखान पर बैठकर सुन्नत ये करके बताया कि देखो जिस तरह अमन और शांति की हालत में सुन्नत पर अमल होगी, तलवार की छांव के अंदर भी सुन्नत पर अमल करके दिखाएंगे। ये जज्बा दिया सैयदना हुज़ैफ़ इब्न यमान ने मुसलमानों को। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला नुमा का वाक़िया है, आप खूब नाम सुनते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला नुमा। हज़रत उमर फारूक के साहबजादे, बहुत आशिक़ रसूल मुत्तबे सुन्नत कहलाते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला नुमा। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला नुमा का वाक़िया हदीस बताता है कि एक मरतबा हज से वापस तशरीफ ले जा रहे हैं, एक जगह उतरे, इस्तिंजा किया, फिर दोबारा सवारी पर सवार हो गए। उस जमाने में ऊँटों का सफ़र होता था, मदीने से मक्के हज के ले गए, अब फिर वापस आ रहे थे मदीना। इस्तिंजा किया एक जगह, फिर सवारी पर सवार हुए, थोड़ी ही दूर चले, फिर इस्तिंजा लगा, और फिर आप इस्तिंजा के लिए तशरीफ ले गए। तो जो रफीक सफ़र थे उसी ऊँट पर सवार थे, उन्होंने पूछा कि हजरत पेट में दर्द है आपके, पेचिश है, कोई तकलीफ है, अभी तो आपने इस्तिंजा किया था, फिर दोबारा आप इस्तिंजा के लिए तशरीफ ले गए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मुसलमानों, गौर से सुनना इस बात को कि अब्दुल्लाह इब्न उमर ने क्या तारीखी जवाब दिया था। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया था कि मेरे भाई, मेरे पेट में न दर्द है, न तकलीफ, न पेचिश है, न कोई परेशानी, बल्कि हज्जतुल वदा के मौके पर अपने महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी मकाम पर उतर कर इस्तिंजा करते देखा था। इब्न उमर को इस्तिंजा की हाजत तो जरूरत नहीं थी, मगर आपकी इत्तेबा में, आपके नक्श कदम पर चलते हुए इस्तिंजा की सूरत बनाकर बैठ गया था। अंदाजा कीजिए, ये एक फितरी चीज थी, जरूरत नहीं थी कि इसकी इत्तेबा की जाए, मगर सहाबे किराम में इत्तेबा का जज्बा देखिए किया था कि वहां आप इस्तिंजा की सूरत बनाकर बैठ गए कि सरकार ने यहां इस्तिंजा किया। आप अंदाजा कीजिए क्या जज्बे मोमिनाना था। सैयदना हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं, पीराने पीर कहलाते हैं, कुतुबुल अख्ताब कहलाते हैं, सरताजुल औलिया कहलाते हैं, बहुत मशहूर बुजुर्ग। एक पूरा सिलसिला कादरिया उनके नाम से चलता है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे लिखा कि उनकी के मुरीदीन में एक मुरीद ने उनकी खिदमत में तरबूज लाकर पेश किया, हजरत कबूल फरमा ला। तरबूज गर्मी के जमाने में होता, आपके यहां भी होता, अगर तरबूज पेश किया, हजरत ने इनकार कर दिया लेने से, दोबारा पेश किया, फिर मना कर दिया, तीसरी मरतबा पेश किया, फिर मना कर दिया हजरत ने। जब चौथी मरतबा उस मुरीद ने बड़ी मोहब्बत से पेश किया तो हजरत ने लेने से तो इनकार कर दिया, लेकिन फरमाया कि जाओ, अगर देना ही है तो कल लेकर आना। मुरीद चला गया, मुश्किल से रात गुजारा, करवटें बदल बदल करके अपने मुर्शिद को, अपने पीर को पेश करना। सुबह होती है, फिर खिदमत अकदस में वही तरबूज लेकर पहुंच जाता है, हजरत की खिदमत में पेश करता है। हजरत ने पहली मरतबा आज कबूल कर लिया तो करीब में बैठे जो खादिम थे वो बेतकल्लुफ होते हैं बड़ों से, बड़ों के जो खादिम होते हैं वो अपने बड़ों से बेतकल्लुफ होते, हर वक्त साथ रहते। तो खादिम ने बाद में पूछा कि हजरत बात समझ में नहीं आई, कल यही शख्स था, यही तरबूज लेकर आया था, बड़ी लजाजत से, बड़ी मन्नत समाजत करके पेश कर रहा था, आपने लेने से इनकार कर दिया और आज पहली मरतबा में आपने कबूल कर लिया, आखिर क्या माजरा, क्या वाकया, क्या मामला है। हजरत ने फरमाया कि भाई मामला ये था कि कल जब ये शख्स तरबूज लेकर आया था, अब्दुल कादिर को ये मालूम नहीं था कि मेरे आका, मेरे महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के और मदीने की सरजमीन पर तरबूज या तरबूज जैसे फलों को जब खाया होगा, वो चाकू से काट कर खाया था, तोड़ कर खाया था, दांतों से काट कर खाया था, क्या तरीका था मुझे मालूम नहीं था। आज रात किताबों की वरक गर्दानी की, तहकीक व तफ्तीश की, उलमा से रुजू किया, जब इत्मीनान हो गया कि इसके खाने का क्या तरीका है, उसके बाद आज मैंने ये तरबूज कबूल किया। ये है लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। एक तरबूज खाने में कौन सी बड़ी चीज है। हम और आप रोजाना चावल खाते, हम और आप रोजाना रोटी खाते, दूध पीते, क्या तरीका था सुन्नत,
किस तरह मेरे महबूब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटियां खाई हैं, क्या आपने सोचा, सीखा, पूछा, अपने उलमा से मालूम किया? नहीं किया। क्यों? इसलिए नहीं किया कि आपको सरकार की सुन्नतों पर चलने का जज्बा और हौसला नहीं, आपको वो शौक नहीं, आपके दिल में वो गर्मी नहीं, वो हरारत नहीं, इश्क नबी की वो सोजिश नहीं आपके दिलों में। काश वो सोजिशें, वो हरारतें कल्ब में पैदा हो जाए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के इश्क की मुतकाजी हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप इस आयत को पकड़ लीजिए, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। आपने नाम सुना होगा हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का, दारुल देवबंद के बानी। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह 1857 की जहाद शामली के चीफ कमांडर थे। अमीरुल मोमिनीन फिल जहाद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की थे उनके उस्ताद, उनके मुर्शिद। हजरत नानोतवी चीफ कमांडर थे, हजरत गंगोई साथ थे, मामुनीर नानोतवी साथ थे, हाफिज जामिन शहीद साथ थे, जाफर थानेसरी साथ थे। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह 1857 की जहाद शामली के बाद हाजी इमदादुल्लाह साहब हिजरत करके मक्के चले गए। हजरत गंगोई गिरफ्तार कर लिए गए, सहारनपुर के जेल में बंद कर दिए गए। हजरत नानोतवी पर गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया और शूट वारंट जारी हो गया कि जहां भी कासिम मिल जाए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और अगर भागता हुआ मिले तो गोली चला दी जाए। अंग्रेजों का हुक्म था। मुरीदों ने कहा कि हजरत छुप जाइए, आप छुप जाइए, अंग्रेजों का जेल अजियतनाक तकलीफ दे खतरनाक किस्म का जेल है, हम मुरीदीन इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि हजरत हमारे जेल में चले जाए, हम उस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सके। हजरत ने छुपने से इनकार कर दिया। जब बहुत इसरार बढ़ा, लोगों ने बहुत दबाव डाला ताल्लुक और मोहब्बत में कि खुदा आप छुप जाइए, हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन छुप गए, दो दिन छुपे रहे, तीन दिन छुपे रहे। जब तीन दिन हुआ तो हजरत नानोतवी बाहर तशरीफ ले आए तो लोगों ने कहा कि हजरत आप भी अजीब खेल कर रहे, ये तमाशा है, तीन दिन छुपने से क्या होगा, महीनों छुपना पड़ेगा, अभी सालों छुपना पड़ सकता है। हजरत ने फरमाया कि तुम लोग क्या समझते हो कि कासिम कोई बुजदिल है और कासिम ने किसी के डर से इसी बुनियाद पर छुप गया था? याद रखो, कासिम इसलिए नहीं छुपा था, कासिम तो सिर्फ इसलिए छुपा था कि मेरे आका मेरे महबूब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करते हुए मदीना तशरीफ ले जाते हुए गारे सौर में सिर्फ तीन ही दिन छुपे थे, इसलिए कासिम भी छुप गया, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में छुपा था, इसलिए अब कासिम तीन दिन से ज्यादा नहीं छुप सकता। ये है लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे अकाबिर ने कैसा उस्वा नमूना आइडियल बनाया, उसके मुताबिक ही जिंदगी गुजारते थे, न उससे आगे न उससे पीछे। याद रखिए, हमारी जिंदगियों में ये चीजें आनी चाहिए। हर अमल सो के उठे अब सोने तक सारा मामूल सरकार की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, मुअत्ता इमाम मालिक ने भी नकल किया है मुख्तलिफ इस्नाद के साथ, बहुत मशहूर वाकया हदीस का लैलतुत तारीस का वाकया हदीस की किताबों में मुहद्दिसीन के और मशहूर है। एक गजबे से वापस तशरीफ ला रहे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ते में रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है, एक दो बज गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा को मुखातब करके कि यहीं आराम कर लें, ठहर जाएं, पड़ाव डाल लें। सहाबा का पूरा काफिला था, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अली मजमईन अपनी अपनी सवारी से अपने अपने ऊँटों और घोड़ों से नीचे तशरीफ ले आए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी सवारी से नीचे तशरीफ ले आए, सब लोग अपना बिस्तर बिछाने लगे, सोने की तैयारी करने लगे। आपने फरमाया कि हाँ आराम कर लें, सुबह नमाज फज्र के बाद आगे बढ़ेंगे। सब लोग तैयारी करने लगे। आका ने ऐलान किया मैं यहरुसुना मैं युकिदुना बिसलातिल फज्र मैं यकला लना, कौन है जो हमारी निगरानी करेगा, कौन है जो हमारी निगहबानी करेगा, कौन है जो हमारी पहरेदारी करेगा,
कौन है जो हम सबको सुबह नमाज फज्र के लिए बेदार करेगा, उठाएगा? कौन है? ऐलान किया आका ने। जब ये ऐलान किया, आवाज आती है, लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। हे अल्लाह के रसूल, हबशे का ये बिलाल इस अजीम शान खिदमत के लिए तैयार है। आवाज आती है कि बिलाल जाओ, ये अजीम शान खिदमत आज तुम्हारे सपुर्द की जाती है। सहाबा भी सो गए, अल्लाह के रसूल भी आराम फरमाने लगे। बिलाल निगरानी कर रहे हैं, निगहबानी कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन बिलाल भी तो इंसान थे। बिलाल का दिन भी मैदान कारजार में तीरों तुफंग चलाते हुए गुजरा था। बिलाल का बदन भी तकान से चूर चूर हो रहा था, उनकी आंखों में भी नींद थी। बिलाल चक्कर लगाते लगाते उनके जहन में आया कि ऊंट से टेक लगाकर थोड़ी देर बैठ जाए, पैर तो फैला लें, कुछ तो सस्ता लें, कुछ आराम मिल जाए। जाहिर है इंसान सोचता है कुछ और हो जाता है कुछ। तारीख इब्न खल्दून में एक वाकया लिखा है। एक बादशाह था, उसकी एक खादिमा थी, एक नौकरानी थी। उसका मामूल ये था कि रोजाना रात में अपने आका का बिस्तर बिछा देती, सुबह उठा देती, रात में बिछा देती, सुबह उठा देती, रात में बिछा देती, सुबह उठा देती। यही मामूल था जिंदगी का, सालों साल से चला रहा था। एक रोज उस खादिमा ने सोचा कि मेरे आका का ये नरम गुदाज बिस्तर, मखमल और रेशम का ये बिस्तर, कितना मजा आता होगा मेरे आका को इस पर सोने में, चलो थोड़ी देर लेट कर तो देखें। वो बांदी जिसे सोने के लिए मखमल और रेशम का बिस्तर तो दरकिनार, चटाई भी नसीब नहीं होती थी, जमीन पर लेटा करती थी। जो ही इस मखमल और रेशम के नरम गुदाज बिस्तर पर लेटती है, आंख लग जाती है और सो जाती है, सोती रहती है, यहां तक कि आका के सोने का वक्त आ जाता है। जब आका मामूल के मुताबिक अपने वक्त पर सोने के लिए हाजिर होता है, क्या देखता है कि बांदी मेरे बिस्तर पर सो रही है। आका को जलाल आ जाता है, गजबनाक हो जाता है कि ये क्या बदतमीजी है, बांदी मेरे बिस्तर पर सो रही है। आका ने आवाज लगाया, जल्लाद। जल्लाद हाजिर हो जाता है। इस गुस्ताख और बदतमीज बांदी को दुर्रे लगाए जाते हैं। उस गुस्ताख और बदतमीज बांदी को बादशाह ने कहा, दुर्रे लगाए जाएं। जल्लाद बादशाह सलामत का हुक्म पाते ही पूरी ताकत और कुव्वत से उसने दुर्रे लगाए। वो सोती हुई बांदी छिलमिलाती हुई खड़ी हो जाती है और रोने के बजाय हंसने लगती है। आका ने कहा, ये क्या माजरा है, ये क्या वाकया है, ये तो बहुत ही बदतमीज मालूम हो रही, रोने के बजाय हंस रही है, लग रहा मजाक उड़ा रही है, और मारा जाए इसे। जुजू मारा गया, बांदी रोने के बजाय हंसती चली गई। आका ने कहा कि उस वक्त तक इस बांदी को मारा जाए और इन पर दुर्रों की बरसात कर दी जाए जब तक इनकी आंखों से आंसुओं की बरसात ना हो जाए। जल्लाद हुक्म पाते ही उस मजबूत और सफेद दुर्रे से ही पूरी कुव्वत से उस बांदी पर बरसाता रहा, लेकिन लोगों ने देखा कि उस बांदी के चेहरे पर आंखों के से आंसुओं की बरसात के बजाय हंसियों की फुलझड़ियां खिल रही थी, हंसती चली जा रही। आखिर बादशाह ने कहा, जल्लाद रुक जाओ। जल्लाद रुक गया। बांदी ये बताओ कि इन दुर्रों की गड़गड़ाहट और इस जर्ब में तुम्हारे हंसने की वजह क्या है? बांदी ने कहा, मेरे आका मुझसे मेरे हंसने की वजह ना पूछ। लेकिन जब इंसान को किसी चीज से रोका जाता है, उसका शौक और बढ़ जाता है। अल इंसान हरीसुन फी मा मने, बांदी इनकार करती गई मगर आका का इसरार बढ़ता चला गया। बांदी इन दुर्रों की गड़गड़ाहट और जर्ब में अपने हंसने की वजह तो बता। बांदी ने कहा, मेरे आका मुझसे मेरे हंसने की वजह न पूछ, अगर मैंने अपने हंसने की वजह बता दी, तुम्हारी आराम और राहत को आग लग जाएगी, तुम्हारा शीश महल तुम पर हराम हो जाएगा, तुम अपने बंगलों को छोड़कर जंगलों की राह इख्तियार कर लोगे।
लेकिन जब आका का इसरार बढ़ा तो बांदी ने कहा कि मेरे आका लो सुनो, मेरे हंसने की वजह कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरे हंसने की वजह इतनी सी है, जब मैंने देखा कि इस बिस्तर पर थोड़ी देर सोने की सजा, जब इस कदर दुर्रे हैं तो जिस बिस्तर पर मेरा आका सालों साल से सोता आ रहा है, तो मेरे आका का आका अहकमुल हाकिमीन कल कयामत में उसे कितनी सजा देगा। इंसान सोचता है कुछ और हो जाता है कुछ। मैं अर्ज कर रहा था कि बिलाल हबशी ने सोने का तसव्वुर भी नहीं किया था। वह बिलाल सोने का कैसे तसव्वुर कर सकता था? वो तो बिलाल हैं जो अहद अहद का नारा बुलंद करते हैं, जिनके जिस्म से पसीने नहीं खून नहीं, जिनके जिस्म से लहू बह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी जबान पर कुफ्र नहीं, अहद अहद का नारा बुलंद हो रहा है। वह बिलाल कहाँ तसव्वुर था कि सो जाए, आका के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर दें। लेकिन इंसान जो ही बैठे टेक लगाया, आँख लग गई बिलाल की, बिलाल भी सोते रहे, सहाबा भी सोते रहे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आराम फरमा रहे हैं। नमाज फजर का वक्त आया, निकल गया सूरज, तुलू हो गया सूरज की किरणें सबसे पहले रुखे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ती हैं, आका बेदार हो जाते हैं। ऐनल बिलाल, ओ बिलाल कहाँ चले गए? बिलाल डर के मारे सहमे सहमे सामने आते हैं और बिलाल कहते हैं कि मेरे आका, जिस जात अहकमुल हाकिमीन ने आपकी आंखों में नींद दे दी, उसी जात ने बिलाल की आंखों में भी नींद दे दी थी। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों आसाम के मुसलमानों, और आप कहोगे कि मौलाना ये आप क्या कह रहे हैं, ये अकीदत मंदों की सरजमीन है, ये आशिकान रसूल की सरजमीन है, ये मुहिब्बान मोहम्मद की सरजमीन है, मैं ये कैसे सुन पाऊंगा कि मोहम्मद की नमाज फजर कजा हो गई? आप क्या कह रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज फजर कजा हो गई, ये बात हम लोगों के समझ में नहीं आ रही। लेकिन मेरे भाइयों मैं क्या करूँ अगर मैं ये कह दूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की नमाज कजा नहीं हुई, तो हदीस रसूल की तकजीब लाजिम आती है, और अगर मैं ये कह दूं कि मोहम्मद की नमाज कजा हुई तो इश्क रसूल को ठेस लगती है। मैं क्या कहूं, मैं खुद हैरान परेशान, मैं खुद आपकी तरह आशिक रसूल हूं, हम आपकी तरह मर मिटने वाले और सरकार की मोहब्बत में जान देने वाले हैं, लेकिन क्या कहूं। अचानक मेरी नजर जाती है हजरत मौलाना खलील अहमद सारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब बज़लुल मजहूद पर। हजरत मौलाना खलील अहमद सारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बज़लुल मजहूद में इस मसले को बिल्कुल साफ कर दिया, फरमाया कि मोहम्मद अगर आपकी नमाज कजा नहीं हुई, अल्लाह ने आपकी नमाज कजा कराई, ऐ मोहम्मद अगर आपकी जिंदगी में नमाज कजा न होती तो नमाज कजा का नमूना उम्मत को कैसे मिलता। ये है लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, के नमाज फज्र का कजा करा कर उम्मत को नमूना देना था, उस्वा और आइडियल पेश करना था, इसलिए आपसे नमाज कजा कराई। तो मेरे भाइयों मैं अर्ज ये कर रहा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमारे लिए उस्वा नमूना आइडियल है। आपकी जिंदगी में मुतजाद सिफात पाई जाएंगी। अगर एक गरीब है वो तलाश करना चाहता है सरकार की जिंदगी में अपना नमूना तो पा लेगा, एक अमीर तलाश करना चाहता है तो पा लेगा, एक वकील तलाश करता है तो पा लेगा, एक जज तलाश करता है तो पा लेगा, एक काजी तलाश करता है तो पा लेगा, एक मुफ्ती तलाश करता है तो पा लेगा, एक आम आदमी तलाश करता है तो पा लेगा, एक बादशाह तलाश करता है तो पा लेगा, एक कोई तलाश करे वो सारे नमूने वहां मिल जाएंगे। इसीलिए मैं आपके सामने मुख्तसर अंदाज में सिर्फ इस आयत की तशरीह मुख्तसर पेश करने की सआदत हासिल कर रहा था कि लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। आज से हमें और आपको चाहिए कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने लिए उस्वा नमूना बनाएंगे, इंशाअल्लाह बनाएंगे। आप रात हाथ उठाकर यकीन दिलाइए कि इंशाअल्लाह बनाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। मैंने बताया आपको कि उस्वा बनाने का मतलब यह है कि जब आज घर जाए तो घर वालों को पता चल जाए कि किसी जलसे से आए हैं,
हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुम लालिया की ज़ियारत करके उनकी तकरीर सुनकर आए, हजरत नाज़िम साहब की तकरीर सुनकर आए हैं, इसीलिए आज आकर सलाम कर रहे हैं, आज आकर तहज्जुद पढ़ रहे हैं, आज आकर बावजूद सो रहे हैं, आज आकर तालीम कर रहे हैं घर में, आज आकर बच्चों की फिक्र कर रहे हैं, बीवी से मोहब्बत से बात कर रहे हैं, बीवी के हक अदा कर रहे हैं, घर के साथ एक आम इंसान की तरह रह रहे हैं, एक जाबिर और जालिम की तरह नहीं जिंदगी गुजार रहे हैं। एक तब्दीली महसूस होनी चाहिए, तब जाकर आपको लगेगा कि आपने उसवा पर अमल किया। मेरे भाइयों बुजुर्गों याद रखिए, ये इम्तिहान की घड़ी है। तकरीरें करने वाले करके चले जाएंगे, कल कयामत में गवाही पेश करेंगे मैदान महशर में के सरकार हमने इनके सामने बात बयान कर दी थी। लेकिन अगर आपने अमल नहीं किया, अपनी ज़िंदगी में बदलाव नहीं लाया, तो जाहिर है कि फिर आप ही जवाबदेह होंगे उसके। इसलिए आपके खाने में तब्दीली आएगी, खाने का तरीका जो सरकार का वो तरीके से खाएंगे आप लोग। कहाँ सीखेंगे ये? अपने उलमा से सीखिए, अपने बुजुर्गों से पूछिए कि चलते कैसे थे सरकार, उसी तरह चलेंगे आप हज़रात। नहीं समझ रहे उर्दू, जैसे सरकार चलते थे वैसे चलेंगे आप लोग, जैसे खाते थे वैसे खाएंगे और जैसे पीते थे वैसे पिएंगे, अपनों के साथ जैसा सलूक करते थे वैसा करेंगे, गैरों के साथ जैसा सलूक करते थे वैसा करेंगे, पड़ोसियों के साथ जैसे सलूक करते थे करेंगे, माँ बाप के साथ जैसा सलूक करते थे करेंगे, औलाद के साथ जैसा सलूक करते थे करेंगे, आप तिजारत जैसी करते थे वैसी करेंगे, आप ज़राअत जैसी करते थे वैसी करेंगे, आप जिस तरह की पूरी ज़िंदगी का नमूना आप अमल करने के लिए ये कर लीजिए कि कल से मुझे कोई कदम ही नहीं उठाना, कोई काम नहीं करना जब तक मालूम ना हो जाए सरकार का तरीका क्या था, उनका नमूना क्या था, उनका आइडियल क्या था, उसके मुताबिक ही हमें चलना है, ये अहद करके उठेंगे। क्या ये अहद कर रहे हैं आप हज़रात? इंशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैरा। बहरहाल मैंने आप हज़रात के सामने कुछ देर गुफ्तगू की, इसलिए हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुल आलिया जो हम सब के बुज़ुर्ग, हम सब के मखदूम और हम सब के बड़े आरिफ बिल्ला हैं और यहाँ काबिर तशरीफ़ रखते हैं, काजी शरीयत साहब जो मरकज़ी दारुल क़ज़ा इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड से तशरीफ़ लाएँ, वो भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। वक्त भी काफ़ी हो गया है, इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि ज़्यादा वक्त आप हज़रात के दरमियान लूँ, इसीलिए मैं अपनी इन्हीं मुख्तसर बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। दुआ करें अल्लाह ताला हमें अपनी मर्जियात पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें और आपको सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।